हम बात कर रहे हैं यहाँ आप सभी के बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म परदेश से सबके दिलों पर राज करने वाली महिमा चौधरी के बारे में। कुछ ही फिल्मों के जरिए अपनी जगह बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाने के बाद महिमा ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ घर बसा लिया। हालांकि हस्बैंड के साथ भी उनकी लाइफ बहुत लंबे समय तक अच्छे तरीके से नहीं चली। वेडिंग लाइफ में भी महिमा को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है, यानी कि निजी ज़िंदगी में महिमा चौधरी को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन एक बार तो महिमा के साथ ऐसा हादसा हुआ है कि उस बारे में जिक्र करते हुए हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए अपना दर्द छलकाते हुए रो पड़ी वो। महिमा ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट एक जाने माने न्यूज वेबसाइट को दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। जी हाँ, महिमा ने बताया कि एक एक्सीडेंट में उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई, वो काफ़ी रोने लगी थी ये बताते हुए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी बुरी तरीके से बदली। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, महिमा ने कहा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि हॉरिफिक एक्सीडेंट के बारे में वो बताते हुए गाप उठती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इश्यूज भी उन्होंने खो दिया था, इससे भी वो बैटल कर रही थी। कमबैक को लेकर वो काफ़ी स्ट्रगल करती रही और उनसे ये नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से महिमा के चेहरे पर दर्द भी था और उस हादसे को अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक सपने की तरह महिमा देखती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से चलते रिपोर्ट।